आपको रामचंद्र यादव स्टीम इंजन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक वीडियो पेट्रोल इंजन बनाने का लेकर आ रहे हैं। अब इसको बनाते हैं, ये पेट्रोल इंजन का हेड बनाना है और अब हेड बनाते हैं। हेड कैसे बनता है ये हम समय ना बर्बाद करते हुए चलो काम पर लग जाते हैं, आइए देखते हैं। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर पूरा वीडियो देखते रहिए फिर आपकी समझ में आ जाएगा कायदे से कि कैसे ये बनता है। और इसकी हम नाप आपको बता दे रहे हैं, इसकी नाप है 5 सेंटीमीटर चौड़ाई गुड़े 5 सेंटीमीटर गुड़े 5 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई है आपकी लगभग 27 एमएम। ये और आप अपने सिलेंडर के हिसाब से ये अल्मीनियम का टुकड़ा ले सकते हैं, जिस हिसाब से आप सिलेंडर बनाएंगे और उस हिसाब से आप अल्मीनियम का टुकड़े पर आप हेड को बना सकते हैं। वो इंजन पर डिपेंड करता है कितना आपका सिलेंडर होगा कितना आपका हेड बनेगा। तो चलो समय ना बर्बाद करते हुए इस पर हम काम शुरू करते हैं। अब हम इस पर रख करके इस पर पहले इसका निशान लगा लेते हैं कितने में हमारी वाल आएगी और कितने में हमारा प्लग आएगा। इतना कट गया है, अब इसको चलो चलते हैं बर्मा मशीन पर, उससे इसको काटेंगे। Okay.
ये इसमें वाल लगाएंगे और ये वाल है, ये दोनों नेटवर्क का काम करेंगे। ये वाल तैयार हो गई। अब ये जस्ट का होल कर दिया मैंने, ये वाल से कनेक्ट है दोनों से। और ये एयर क्लेंजर है, इससे हम पेट्रोल जाने का और एयर लेने का दोनों रास्ता इसी से है। ये होल पेट्रोल का है और ये एयर का है। अब हम इसमें ये इस होल में प्लग को सेट करेंगे। और सेट करने के लिए हमको इसमें चूड़ी बनाना पड़ेगा। पहले इसको हम चूड़ी बनाते हैं। अब हम पहले इस लोहे से, हमारे पास चूड़ी बनाने वाला कटर तो है नहीं, इसलिए हम इस चूड़ी से पहले इसको हल्के से लगाते हैं। हमारा प्लग टाइट हो गया। अब हम देखते हैं, प्लग तो ठीक लग गया। अब हम वाल को फिट करते हैं। ये चलो
हम इसको चेक करते हैं ये लीक तो नहीं है, वाल सही ग्रीन हो गई कि नहीं, क्योंकि अगर दोस्तों ये लीक करेगी तो हमारा इंजन काम नहीं करेगा, इसलिए इस वाल पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ये सब बिल्कुल देखने में तो ठीक हो गई है, अब इसको ज़रा पानी डालकर चेक करते हैं फिर बांधते हैं। अभी दोस्तों तैयार हो गया है, ये हमारा वाल है और ये जो है इसकी मैंने अंदर दिखती होगी आप लोगों को, ये मैंने सीट भी काट दी और ग्रीन करके और चेक भी कर लिया, ये हमारा है तैयार है। अब इसको असम्बली करते हैं और देखते हैं अगला पार्ट बनाने का अगला वीडियो में। और मैंने ये कुछ स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग पिन के हैं, पिन के अंदर पड़ते हैं वो, ये भैया मैंने इस पिन से निकाला, ये पिन के अंदर का ये है, इसके अंदर इसको हटाते हैं, ये पिन के दो स्प्रिंग मैंने निकाला और निकाल करके हम इस वाल में हम ये फिट करेंगे। और ये थोड़ा ये स्प्रिंग छोटा पड़ रहा है, इसलिए ये दो छोटे छोटे जो स्प्रिंग हैं ये ग्लेंडर मशीन के कार्बन के स्प्रिंग हैं, आप किसी भी अगर पेन का दूसरा स्प्रिंग होता उसको काट करके डबल कर लेते, या तो कोई भी महीन स्प्रिंग लेकर के आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आप ये कहीं स्प्रिंग लगाइए, कोई भी स्प्रिंग आप लगा सकते हैं, क्योंकि बस इसको टाइट रहना चाहिए, बस स्प्रिंग कोई भी हो इससे कोई मतलब नहीं है। और इसको चलाने के लिए मैंने एक स्प्रिंग रोकने के लिए छोटा सा वाशर लगा दिए, ठीक ये वाशर है और ये तो मैंने अपने हाथ से बनाया, तो वाशर कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रिक प्लग के अंदर का वो है, ये मैंने इसमें चूड़ी इसका नेट नहीं मिला था इसलिए मैंने इसको काट करके देखा तो ये बैठ गया, तो इसलिए मैंने काट करके इसको और इसमें लगा रहा हूँ। इसमें बनाने में बहुत ईजी, कोई बहुत बड़ा वो तकलीफ नहीं है, बस आप ध्यान से देखते रहिए और आप आराम से बना सकते हैं। ये जो है अब ये एग्जॉस्ट की वाल है लग गई, और ये जो है एयर की वाल है, तो इसमें मैंने आप ध्यान से देखिए यहाँ मैंने थोड़ा पतला कर दिया, यहाँ थोड़ा यहाँ पर थोड़ा काट करके मैंने इस हिस्से को थोड़ा पतला कर दिया, क्योंकि एग्जॉस्ट में हवा लेने के लिए ज़रूरी है। और ये मैंने स्प्रिंग लगा करके थोड़ा स्प्रिंग इसका टाइट है, क्योंकि एक जैसे पेन में स्प्रिंग निकलते नहीं हैं, पेन में अलग अलग तरीके के स्प्रिंग निकलते हैं, इसलिए ये स्प्रिंग थोड़ा अलग तरीके का। ये दोस्तों स्प्रिंग तो लगा दिया लेकिन एक साइड की नहीं है, थोड़ा देखने में बहुत अच्छी नहीं लग रही, लेकिन फिलहाल काम तो इससे चल सकता है। ये तैयार हो गई, अब इसका हम लोग बात करें। और अभी दोस्तों तैयार हो गया, और अब इस जो ये प्रोजेक्ट बना है अब इसका इंजन बनने जा रहा है, पेट्रोल इंजन, ये बहुत बढ़िया तरीके से बन रहा है। और अगर आपको इसमें समझने की या कोई चीज़ पूछने की इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।